हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डोन। गाइस, आज की वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाली कुछ ऐसी बड़ी एमेंसीज के बारे में जिसके लिए बहुत रिक्वेस्ट किया गया था। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, जितनी भी कंपनीज के बारे में बताने वाली हूँ आप लोगों को, सारी फ्रेशर्स के लिए हैं और जो जॉब्स हैं वो बहुत ही अच्छी करियर स्टार्ट करने के लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने थंबनेल देख के आप लोग समझिए उनकी किन कंपनीज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। चलिए बताती हूँ। पहली कंपनी जो है गाइस वो है फ्लिपकार्ट। अगर आप फ्लिपकार्ट में काम करना चाहते हैं एज अ अप्लाइड साइंटिस्ट तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसके लिए एक बात और बता दूँ, अप्लाइड साइंटिस्ट के साथ साथ आप लोग फ्लिपकार्ट के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में भी जा सकते हैं, वहाँ पे कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके लिए आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं इस पूरा जॉब का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ जाके ज़रूर जाके पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग इसमें जाके इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ जॉब के बारे में जो डिटेल में बताने वाली हूँ। गाइस अगर आप नीचे आएंगे या स्क्रॉल डाउन करके, जॉब जो है वो आप लोग की मैंने बताया अप्लाइड साइंटिस्ट की है, जिसमें बता दूँ आप लोगों को क्या करना होगा, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना होगा, साथ ही साथ कंपनी की डिप्लॉयमेंट और एडॉप्शन कॉस्ट जो है डेटा जो है उसके बारे में फिगर को पूरा सही से आप लोग कॉस्ट बेनिफिट कंपैरिजन को करना होगा, साथ ही साथ जितने भी लूप्स होंगे उनको सॉल्व करना होगा। उसके बाद मैं आप लोग को बता दूँ क्या नीड है इसमें, जो नीड मतलब कि क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ पे जितने लोगों की, जो लोग बीटेक और एमटेक के हैं, कंप्यूटर साइंस और ऑपरेशन रिसर्च, डेटा साइंस और प्योर साइंस के हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 या 2 साल का मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, एप्लीकेबल हैं। बात करते हैं प्रोग्रामिंग स्किल की, तो अगर आपको पाइथन और आर में कुछ भी आता है, थोड़ा बहुत भी आप लोग अंडरस्टैंडिंग है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू ज़रूर दीजिएगा गाइस, अगर हो सकता है लक अच्छा हो जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट ये आप लोग को हार्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, साथ ही साथ थोड़ा बहुत ML सॉल्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए, गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए तो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। यहाँ बात करते हैं जो भी स्किल्स के बारे में बताया वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। साथ ही मैं आपको बता दूँ लोकेशन जो होगी वो बैंगलोर कर्नाटका की होगी, तो अगर आप बैंगलोर कर्नाटका में काम करना चाहते हैं आप लोग ज़रूर जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप लोगों को लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के साथ साथ आप लोगों को अप्लाई पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों को पूरा फॉर्म फिल करना होगा, फिल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे रेज्यूमे और अपना बेसिक डिटेल्स अपलोड करनी होंगी। इसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है और उसके बाद आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं गाइस, तो वो है कॉग्निजेंट। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग फ्रेशर्स के तौर पे नॉन वॉइस प्रोसेस की जॉब प्रोफाइल पे जा सकें तो आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं कॉग्निजेंट में, जहाँ पे आप लोग 1 साल से लेके फ्रेशर में जो लोग एक्सपीरियंस है वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं बता दूँ आप लोग का डिस्क्रिप्शन क्या है, ये जो लोकेशन होगी कोयम्बटोर होगी। अभी कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम का प्रोसेस है, 2018 बैच से लेकर 2021 बैच के जो लोग हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो आप लोग का पैन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड करना होगा, जिसके बाद आप लोग यहाँ से अप्लाई करके, अप्लाई करने के बाद आप लोग कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे इस कंपनी में काम करने के लिए इस प्रोफाइल पे। जो फ्रेशर्स इंटरेस्टेड है वो ज़रूर जाके अप्लाई करें। लास्ट कंपनी की बात करते हैं गाइस, जो है विप्रो। अगर आप विप्रो में चाहते हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग GET की प्रोफाइल पे, जो कि बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए, तो अभी आप लोग जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है गाइस, एजुकेशन ग्रेजुएट के एक्सपीरियंस 1 ईयर रिलेवेंट होगा, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको पता है तो बहुत ही अमेजिंग बात है, नहीं पता है तो आप लोग इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करती हूँ मैं, .NET और जावा डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ऑटोमेशन टूल्स जो है सिलेनियम उनके बारे में पता होना चाहिए, साथ ही मैं आप लोग को बता दूँ SQL सर्वर और डिज़ाइन और आर्किटेक्चर प्रोग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं बेसिक टेक्नोलॉजीज़ की, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं HTML5, CSS3, .NET लैंग्वेज, साथ ही साथ REST API, RPC के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत एजाइल मेथोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जो बेसिक क्वालिटीज़ है यहाँ पे वो एक्सलेंट ट्रबल शूटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स की होगी। बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, मैं आप लोगों को बता दूँ क्वालिफिकेशन में यहाँ बताया गया, अगर आप एक एक्सपीरियंस या ग्रेजुएट हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं, लोकेशन जो होगी वो चेन्नई इंडिया की है, तो अगर आप चेन्नई में काम करना चाहते हैं विप्रो जैसी बड़ी एमएनसीज़ में, आज अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोग को अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद आप लोग का इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, तो आप लोग इंटरव्यू दे सकते हैं, इंटरव्यू के राउंड्स क्लियर करने के बाद आप लोग कंपनी में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो गाइस ये 3 बड़ी एमएनसीज़ थी फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, अगर आप चाहते हैं इन कंपनीज में सिलेक्ट होना अभी जाके फॉर्म फिल करिए, इंटरव्यू के लिए डेट सिलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं, तो अभी जाके अप्लाई करिए गाइस। आज का वीडियो यहीं समअप करते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिएगा और लोगों के साथ ज़रूर शेयर भी करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए
सब्सक्राइब भी करेंगे जिससे आप लोगों को फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।